तरफ धर्म और अध्यात्म से जुड़ा कुंभ प्रयागराज में 15 जनवरी से शुरू हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर संस्कृति सभ्यता के साथ मेहमान नवाजी का महाकुंभ धर्मनगरी काशी में 21 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। यानी प्रवासी भारतीय सम्मेलन को देखते हुए पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। प्रशासनिक तैयारियों ने अब जोर पकड़ लिया है और पूरे शहर के चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। नगर निगम वाराणसी द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस जो वाराणसी में 21 जनवरी से 23 जनवरी के मध्य होना है, इसमें चूँकि बड़ी संख्या में हमारे प्रवासी भारतीय लोग इकट्ठा होंगे, नगर निगम की जिम्मेदारी सफाई की है। आवागमन को सुचारू रूप से बनाए रखने हेतु जो इनकोचमेंट सड़क पटरी पे है उनको हटाने की है। इसके साथ साथ नगर के जितने भी चौराहे हैं, मुख्य सड़कें हैं, इनको सुंदर बनाना और सजावट की है। और इसके अलावा जो चौराहे हैं उसको सुंदर लाइटों से सजाने की है। विभिन्न रास्तों पे जो भी इनकोचमेंट है उनको अस्थायी रूप से हटा करके सुनिश्चित किया जाएगा कि आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। ये सारी कार्रवाई हम लोग 14 जनवरी तक कंप्लीट कर लेंगे।